नमस्कार, मैं भारती आज आपको कक्षा तृतीय की हिंदी का पाठ संख्या 2 कराऊंगी, जो कि हमारा शीर्षक है तोते का जन्मदिन। हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में भी हमने अपने इसी पाठ को किया है और आज हम इसी को आगे करेंगे। कल हमने इसके आओ करे 1, 2 और 3 को किया था और कुछ हमने पर्यायवाची शब्दों को किया था और पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द हैं हमने उनकी परिभाषा की थी। समानार्थी शब्दों को मैंने कल भी बताया था, जो हमारी पिछली वीडियो है मैंने उसमें भी बताया था आपको। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? हमारे समानार्थी शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। समान का मैंने मतलब बताया था एक जैसे, और आर्थी का मतलब जो अर्थ देते हैं, मीन्स जो एक जैसे अर्थ देते हैं हम उनको क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। आज हम पर्यायवाची शब्दों को ही आगे करेंगे। कल हमने पहले 6 पर्यायवाची शब्द किए थे, आज हम जो उससे आगे के हैं हम उनको करेंगे। हमारा पहला जो शब्द है वो दिया हुआ है पानी। अब पानी का और क्या क्या अर्थ होता है? पानी किस किस को बोलते हैं हम? जल को भी बोलते हैं, जल को भी बोलते हैं और नीर को भी बोलते हैं। पानी को नीर भी बोलते हैं और पानी को जल भी बोलते हैं। इसी तरीके से कमल, कमल का क्या होता है? हमारा कमल क्या होता है? कमल को जलज भी बोलते हैं और पंकज भी। जलज भी बोलते हैं और पंकज भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा धरती। धरती को क्या क्या बोलते हैं? भूमि भी बोलते हैं और पृथ्वी भी। ये जो हमने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है? इन्हीं शब्दों के दूसरे अर्थ बता रहे हैं, दूसरे मीनिंग बता रहे हैं कि इनको हम ये भी बोलते हैं या ये भी हम बोल सकते हैं। ये हमें ये बताते हैं। पहला है हमारा पानी। पानी को हम बोलते हैं जल या नीर। दूसरा है हमारा कमल। कमल को हम बोलते हैं जलज या पंकज। तीसरा है हमारा धरती। धरती को बोलते हैं भूमि और पृथ्वी। उसके बाद चौथा है हमारा कपड़ा। कपड़े को क्या बोलते हैं? वस्त्र और क्या बोलते हैं दूसरा? पट। अगला है हमारा झंडा। झंडा, झंडा को हम क्या बोलते हैं? झंडा को हम बोलते हैं ध्वज और पताका। उससे आगे है हमारा पहाड़। पहाड़ क्या होता है? हमारा पर्वत और गिरी। पहाड़ को हम क्या बोलते हैं? पर्वत और गिरी। आपको अभी ये दोनों अर्थ आपको याद करने हैं, ये दोनों अर्थ होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैम दोनों में से क्या हम कोई एक कर सकते हैं, नहीं, आपको ये दोनों अर्थ करने हैं। पहला है हमारा कपड़ा, कपड़े का आएगा वस्त्र पट। दूसरा आएगा हमारा झंडा, झंडे का रहेगा हमारा ध्वज पताका। तीसरा है हमारा पहाड़, पहाड़ का होगा हमारा पर्वत गिरी। उसके बाद जो आपकी पुस्तक है उसमें आपका आओ करे 4 दिया हुआ है। पहले आप ये बताइए, आपको यहाँ तक सभी को समझ आया? किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप डाउट सेशन में भी पूछ सकते हो। वैसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, पहला है हमारा कपड़ा, कपड़ा का आएगा वस्त्र पट। दूसरा है हमारा झंडा, झंडा सभी ने देखा होगा, हम सबके स्कूल में भी होता है, जो हम जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है और जो गणतंत्र दिवस होता है हम उस पर लहराते हैं।
वो क्या होता है हमारा ध्वज और पताका। उसके बाद पहाड़, पहाड़ का होता है हमारा पर्वत और गिरी। आज हमने 7 किए हैं, 4 हमने पहले की अभी किए थे और 3 अभी किए हैं और 6 हमने कल किए थे। आपकी जो पुस्तक है उसमें ये आपके कुल 13 हैं और आपको इन 13 के दोनों अर्थ भी याद करने हैं और ये पूरे करने हैं आपको। उसके बाद आपका आता है आओ करे 4। आओ करे 4 में उसने क्या कहा है? उसने कहा है उन शब्दों को बताइए जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। उन शब्दों को बताना है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, उन पर हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें उस पर चिन्ह लगाना है। पहला हमारा क भाग दिया हुआ है इसका। इन्होंने हमसे क भाग में पूछा है धरती। क्या पूछा है इसने? धरती। धरती के बाद फिर इसने हमें विकल्प दिए हैं। पहला है हमारा गिरी, गिरी। दूसरा जमीन और तीसरा इसने बताया है पृथ्वी। अब धरती का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है हमारा? गिरी। बिल्कुल सही, क्योंकि गिरी क्या होता है? गिरी होता है हमारा पहाड़। उसके बाद ख भाग है। ख भाग में इसने क्या बताया है हमें? इसने हवा। हवा का इसने हमें क्या क्या विकल्प दिए हैं? पवन, जल और वायु। पवन, जल और वायु। पवन हवा का ही अर्थ होता है, वायु भी हमारा हवा होता है। क्या नहीं होता है? जल। जल क्या होता है हमारा? जल हमारा होता है पानी, या फिर नीर को हम जल बोलते हैं। उसके बाद ग भाग है इसका। ग भाग में इसने पूछा है फूल। फूल में इसने क्या बताया है? पुष्प, कमल और क्या बताया है आपको? पुष्प, पट और पुष्प, कुसुम। पुष्प, पट और कुसुम। तो इसमें कौन सा नहीं है? फूल हमारा क्या होता है? पुष्प, कुसुम। पट नहीं होता है हमारा। पट का अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पट का क्या होता है हमारा? जो कपड़ा होता है वो होता है हमारा पट। तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हमें वो बताना है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद घ है हमारा झंडा। झंडा में हमें दिया हुआ है झंडा। इसने दिया है हमें ध्वज, पताका और जल। अब ध्वज का झंडा अभी अभी हमने किया था हमारा। झंडा का क्या होता है? ध्वज भी होता है और पताका भी होता है। क्या नहीं होता? जल। तो हम इस पर अपना निशान लगाएंगे। तो ये था हमारा आओ करे 4। उसके बाद आपका दिया हुआ है आओ करे 5। आओ करे 5 में आपको पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने हैं। कुछ आपको दिए हुए हैं और उनमें से आपकी सहायता के लिए कुछ हिंट आपको दिए हुए हैं, कुछ संकेत आपको दिए हुए हैं और उनमें से फिर आपको चुनकर लिखना है कि कौन सा आपका आएगा और कौन सा आपका नहीं आएगा।
पहला आपका दिया हुआ है नेत्र, ऊपर आपको जो सहायता बिंदु है वो दिए हुए हैं, सुबह, पर्वत, आँख, उसमें आपको ये सब कुछ लिखा हुआ है। और क भाग में फिर उसने आपसे पूछा है कि नेत्र का बताओ। ये सब हम अगर आप कर चुके हो, आपको अच्छे से समझ आ गया है। जैसे नेत्र है, नेत्र का क्या होता है, हमारा आँख, नयन, यही होता है हमारा, वो ही आपको उसमें करना है। उसके बाद आओ करे पांच आप खुद करोगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप पूछोगे, जो भी हमारा डाउट सेशन रहेगा आप उसमें पूछ सकते हो। उसके बाद फिर आते हैं हमारी भाषा की पहचान। भाषा की पहचान, भाषा की पहचान क्या होती है हमारी, इसमें हमें दिया हुआ है स्वरनाम। अब स्वरनाम क्या होता है हमारा, इसकी परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम स्वरनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, अब शब्दों में हम क्या क्या लिखेंगे, जैसे संज्ञा, पहले तो हमें संज्ञा का पता होना चाहिए। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या होती है हमारा, जो किसी का नाम बताए, किसी जाति के बारे में हमें बताए, किसी के भाव के बारे में हमें बताता है, किसी जगह के नाम, किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु के नाम के बारे में बताता है, वो हमारा संज्ञा होता है। अब जैसे मान लो मैं किसी बच्चे का ही नाम लेती हूँ और वो, मैं बोलती हूँ राम खेल रहा है, तो मैंने एक बार बोल दिया राम खेल रहा है, फिर आप मुझसे आगे बात करना चाहते हो तो मैं क्या कहूँगी, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं उसके बारे में बताना शुरू कर दूंगी। तो अब मैं बार बार राम न बोलकर मैं उसकी जगह पर वह शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देती हूँ। वह शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो वह शब्द आता है वो क्या हो जाता है, हमारा स्वरनाम। अगर मैं राम शब्द का जब प्रयोग कर रही थी तो राम शब्द था हमारा संज्ञा। अब उसके बाद जैसे मान लो सीता और गीता है, या कोई भी बच्चा है, छवि है, गीतिका है, कुछ भी है, मैं दो बच्चों के नाम लेती हूँ, छवि और गीतिका बहुत अच्छी दोस्त है, फिर मैं बार बार छवि और गीतिका ना बोलकर मैं उसके बारे में, उनके बारे में बोलना शुरू कर देती हूँ, ये दोनों बहुत अच्छा करती है, ये दोनों बहुत अच्छे से रहती है, ये शब्द का मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब जब मैंने ये शब्द का प्रयोग किया तो ये शब्द क्या हो गया हमारा स्वरनाम। तो क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, स्वरनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं, कहते हैं वो लिख सकते हो आप, या कहलाते हैं भी लिख सकते हो, शब्द अगर कहलाते हैं लिख रहे हो तो फिर शब्द लिखना पड़ेगा आपको, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। तो ये थी हमारी स्वरनाम की परिभाषा। इसके उदाहरण हैं, स्वरनाम शब्द है हमारा यह, वह, वे, उससे,
तुम्हारा आदि। ये है हमारे सर्वनाम शब्द। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब आपका आओ करे छ जो कि आगे दिया हुआ है उसमें आपको जो सर्वनाम शब्द है उन पर गोला लगाना है, उन पर चिन्ह लगाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं सर्वनाम शब्द क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम के बारे में बताए वो होती है हमारी संज्ञा। हम बार बार उन नामों को ना लिखकर उनकी जगह पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, वो शब्द हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। पहला है मोहन, वह और दौड़ना। आओ करे छह आपका दिया हुआ है। आओ करे छ, इसमें जो क भाग है उसमें आपको पहले दिया हुआ है मोहन, उसके बाद वह, और फिर दिया हुआ है आपको दौड़ना। अब इनमें से कौन सा आपका सर्वनाम शब्द है? वह। हम इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे जो यहां पर बना हुआ है, यहां पर लगाएंगे। सॉरी, आपका ये जो चिन्ह है वो इधर बना हुआ है तो आप यहां पर लगा देंगे। आपका इधर से बनाना शुरू किया हुआ है इन्होंने। ख भाग है आपका हम, लंबा और राजा। हम, फिर है आपका लंबा, और फिर है आपका राजा। तो कौन सा आ जाएगा हमारा? हम। ग भाग है इसका रजत, मेरा और सोना। रजत, मेरा और सोना। तो कौन सा आ जाएगा? रजत नहीं हो सकता, सोना भी नहीं हो सकता, क्या आएगा हमारा? मेरा। घ भाग है हमारा शोभा, अजय और तुम्हारा। शोभा, अजय और तुम्हारा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तुम्हारा। तो ये था आपका आओ करे छह। अब आओ करे सात आपका दिया हुआ है। आओ करे सात में आपको क्या करना है? दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। आपको जो सर्वनाम शब्द है वो कौन कौन से हैं आपको उन पर गोला लगाना है। ये आपका आओ करे सात। और आओ करे आठ में है फिर आपको संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दिया गया अनुच्छेद कॉपी में लिखिए। एक छोटा सा अनुच्छेद आपको 3-4 लाइन का दिया हुआ है। आपको इसमें जो भी आपके सर्वनाम शब्द है आपको वो छाट कर वो उनको करेक्ट करके आपको इस अनुच्छेद को लिखना है। उसके बाद आपकी जो अभ्यास पुस्तिका आती है, अभ्यास पुस्तिका में आपको दिया हुआ है मेरी बारी। मेरी बारी, मेरी बारी एक, मेरी बारी एक, ये आपके अभ्यास पुस्तिका पुस्तक में है। अभ्यास पुस्तक में आपको मेरी बारी एक दिया हुआ है। उसमें आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र आपको पुष्प का है, दूसरा आपका नयन का है, आंख का है, तीसरा आपका झंडा, और चौथा आपका घर का है, ग्रह का है।
आपको ये आओ करें ए, मेरी बारी एक और मेरी बारी दो, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का अलग अलग करके आपको लिखना है। आज आप ये करोगे, मेरी बारी एक और मेरी बारी दो। मेरी बारी एक और दो को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में पुस्तक में करोगे और आओ करें 6, 7, 8 तक आप पाठ्य पुस्तक में पूरा करोगे। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है अभी भी आपको कहीं कोई परेशानी है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो, कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।